फरहान अख्तर की एक्टिंग में हुई वापसी, अपनी न्यू फिल्म की अनाउंसमेंट कर एक्टर ने बताया सब कुछ। इसी के साथ फिल्म का पहला पोस्टर भी आउट कर दिया गया है, जिसमें फरहान का जबरदस्त लुक भी सामने आ गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस ऐलान से अब रणवीर सिंह की डॉन 3 में देरी होगी? आखिर क्या है ये खिचड़ी जो फरहान ने पकाना शुरू कर दिया है? आइए जानते हैं डिटेल में। दरअसल फरहान अख्तर ने ऐलान किया है कि वो लंबे समय के बाद बतौर एक्टर पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फरहान ने एक पोस्टर के जरिए एक एक्टर के रूप में पर्दे पर वापसी के अपने फैसले की अनाउंसमेंट की है। फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज के साथ मिलकर 120 बहादुर को पेश करने के लिए एक्साइटेड है। ये फिल्म मेजर शैतान सिंह, PVC और चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की कहानी पर बेस्ड है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगल हैप्पी स्टूडियोज ने दो शानदार मोशन पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह PVC की भूमिका में हैं। बता दें कि फिल्म का पहला शेड्यूल आज से लद्दाख में शुरू हो गया है। पर्दे पर दमदार किरदार निभाने के लिए मशहूर फरहान अख्तर अब मेजर शैतान सिंह PVC की भूमिका निभाएंगे। हालांकि उनकी इस अपकमिंग फिल्म के बारे में सुनकर फैंस के मन में डॉन 3 को लेकर के किस्म के सवाल उठने लग गए हैं। हालांकि फरहान की इस एक्टिंग वाली फिल्म के ऐलान ने सबको ही हैरानी में डाल दिया है कि क्या डॉन 3 अभी भी पटरी पर है। हालांकि फरहान ने अभी रणवीर की फिल्म पर कुछ भी शेयर नहीं किया है कि आखिर ये फिल्म कब से बन रही है। वहीं रणवीर सिंह की बात की जाए तो रणवीर फिलहाल आदित्य धर की अगली फिल्म में बिजी है, साथ ही पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ अपने पहले बच्चे का वेलकम करने की भी तैयारी कर रहे हैं। कियारा के पास गेम चेंजर के साथ साथ और कई प्रोजेक्ट्स भी हैं जो इसी साल रिलीज होंगे। ऐसे में क्या डॉन 3 में देरी हो रही है? लगता है फैंस को इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आखिर कब तक ये फिल्म फ्लोर पर जाती है। खैर, आप बताइए फरहान अख्तर की इस नई फिल्म के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।